इस बार हमारी टीम है वो बहुत बैटर टीम है साड़ी और सारे बहुत एनर्जेटिक ने यंग ने उन्हें ग्राउंडा दे विच खेडन दा साडा ड्रीम सीगा बट सी सी एल दे जरिए उन्हें ग्राउंड दे विच खेडन दा जिहड़ा ओह ड्रीम है ओह पूरा हो रहा है ना। अब पंजाब दा शेर के एक और बब्बर शेर से बात करते हैं। पाजी क्या कहेंगे पंजाब दा शेर के बारे में? काफ़ी टेम्पो तो आप लोगों का हाई लग रहा है, हमेशा से ही लगता है, अलग ही एटमोसफियर रहती है, क्या कहेंगे, एक्स फैक्टर क्या लगता है आपको इस टीम का? देखिए मैंने जो पहले दो सी सी एल सीज़न हुए थे वो दोनों भी मैंने खेले हैं बट इस टाइम की जो इस बार हमारी टीम है वो बहुत बैटर टीम है साड़ी और साड़ी टीम ने परफॉर्म बहुत वधिया किया जो कि जिहड़ियां दूसरियां टीम्स ने वो रेगुलरली कंटीन्यूसली प्रैक्टिस कर रही हैं जिवें भोजपुरी दबंग सीगी वो 20 दिन से बॉम्बे आके वो प्रैक्टिस कर रही है बट साड़ी टीम कोई बॉम्बे तो सीगा कोई पंजाब तो सीगा बट फिर भी असीं एक यूनिटी दिखाई और एक इदा लग रहा सीगा कि ये टीम बहुत देर तो इकट्ठे प्रैक्टिस कर रही है और असीं उन्होंने बड़ी टफ फाइट दी। तुसीं मैच देखिया होगा पिछला सो हुण बॉम्बे नाल मैच है और साड़ी टीम का जिहड़ा एक्सपेक्टर लग रहा है वो साड़ी एनर्जी लैवल है और सारे बहुत एनर्जैटिक ने यंग ने और साडा जिहड़ा बॉलिंग अटैक हैगा वो बहुत वधिया है, बैट्समैन बहुत वधिया ने, फील्डिंग दे विच पूरी जान लाउंदे ने, सो सानू लग रहा कि इस बार दी जिहड़ी साड़ी टीम है वो बहुत वधिया है। पाजी अगर बात करें सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग की तो क्या लगता है आपको कि इस लीग से एक्टर्स का या सिंगर्स का आप लोग जो खेलते हैं क्या फ़ायदा होता है, क्या पर्पस होता है आप लोगों का? देखो हमारा कोई पर्पस नहीं है, हाँ एक तो ये होता है कि असी सारे कितने ना कितने जो आज क्रिकेट खेल रहे हैं सेलिब्रिटी तो कितना कितने एक बार ड्रीम सीगा कि यार क्रिकेटर बनना है, एक्टर बन गए, उन्हें ग्राउंडा दे विच खेडन दा साडा ड्रीम सीगा बट सी सी एल दे जरिए उन्हें ग्राउंड दे विच खेडन दा जिहड़ा ओह ड्रीम है ओह पूरा हो रहा है ना। सो बहुत वड्डी गल है जो असं खड़े होंगे तो सूँ लगता कि वाह यार असी कदे सोचा सी कि यार ये ग्राउंड असं टीवी दे विच देखे है, इंटरनेशनल प्लेयर्स नूं खेडते हुए देखे तो अज उन्हां ग्राउंड दे विच असी खेड रहे हैं। सो यही है, बाकी यह है कि एक दूजे नाल मिलवरतन, एक दूजे नूं मिलना जानना और इदां लगता कि इंडस्ट्रीज आपस इकट्ठियां होकर फिर काम भी इकट्ठे करनगे, सारे जिहड़ियां बाउंडेशन है बाउंडिंग्स है वह खत्म हो जाएगियां, सारे एक दूजे नाल भरावां दी तरह प्यार है, एक दूजे नूं जानदे आ और मैच तो बाद सारे इकट्ठे होंदे आ, आफ्टर पार्टी मैच तो बाद जिहड़ी पार्टी होंदी आ इकट्ठे होकर गल्लां करदे आ की कमियां की नहीं, सो बड़ा वधिया लगता मैनूं इह सारा कुछ। भाजी क्या कहेंगे कि कहा आपने कि बचपन से सब क्रिकेटर बनना चाहते थे, एक्टर बन गए, लेकिन एज एन एक्टर जब आप लोग क्रिकेट फील्ड पर जाते हो 22 गज की पट्टी प्रॉपर वाइट बॉल से खेलते हो लाइट्स के अंदर और दर्शक भी होते हैं तो क्या लगता है, कैसा लगता है तब, कितना ईजी या टफ होता है परफॉर्म करना, क्या कहेंगे उसके बारे में? देखो यार कोई भी मैच है, मैच तो पहला थोड़ी बटरफ्लाई जितना चलदियाँ रहिंदियां है ना, डर लगता रहिंदा कि यार किवें दा परफॉर्म करांगे, विकट किदां दा बिहेव करूगी बट जदों असीं ग्राउंड चले जाने फिर सारा कुछ ईजी लगन लग जाता है। उस तो पहला कुछ थोड़े थोड़े नर्वस हर वो दूजी टीम भी होगी असी भी हाँ, सो जदों असीं ग्राउंड चले जाने उदों सारा कुछ ईजी लगन लग जाता, फिर बॉल जिन्ना मर्जी तेज आवे तुहानूं पता कि हुण खड़ के ते हुण डट के खड़ना पैना खेडना पैना, सो हौसले बुलंद ने। बाकी असीं क्रिकेट बारे जाणदे हाँ, स्कूल दे विच खेडी कॉलेज दे विच खेडी ते अग्गे सानूं जाण दा मौका नहीं मिलिया क्योंकि कई बार बंदा जो ड्रीम देखिया हुंदा उत्थे नहीं पहुँच पाउंदा, डेस्टनी उहनूं किते होर लै जांदी है बट फिर भी मैं परमात्मा का शुक्र गुजार हाँ पुनीत जी जिहड़े साडे सी सी एल दे ऑर्गनाइजर ने उन्हां दा कि उन्होंने सानूं फिर मौका दिता, उन्हां ग्राउंड दे भी साडा ड्रीम पूरा होया। पाजी इसके अलावा एक और सवाल मेरे जहन में जो लगातार चल रहा है कि फिटनेस कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि यूजुअली तो आप लोग जाते हो जिम जाते हो अपनी फिटनेस बरकरार रखते हो लेकिन जब क्रिकेट जैसा पावर स्पोर्ट आता है क्योंकि यहाँ पर तो फिटनेस का बहुत बड़ा योगदान होता है तो आप कैसे मैनेज कैसे करते हो इन सब चीज़ों को? ब्रदर एक्टर की जी जॉब होंगी है ना, कदे उसने वेट बढ़ा लिया कदे घटा लिया करैक्टर के हिसाब से है ना, बट जो तुम क्रिकेट खेडनी है तो तुम्हें फिट होना पैना है तो वह तो पहला फिर साडा वर्कआउट शुरू हो जाता है, स्प्रिंट्स मारनियाँ रनिंग करनी, तुहानू पता कि जो तुम क्रिकेट खेडनी है तुम एथलीट होने चाहिए हो, वधिया एथलीट होने चाहिए तो उदा का वर्कआउट शुरू करते हैं, सो मेहनत करते हैं प्रॉपर, सारे मुंडे जिम जाते हैं प्रॉपर ट्रेनिंग करते हैं, हुण असीं पंजाब तो असीं पंजाब प्रैक्टिस करते नैट लाउंदे सीगे, बॉम्बे वाले बॉम्बे नैट लाउंदे सी, सारे ने बहुत हार्ड वर्क किया क्योंकि तुहानू ना बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं, तुम एक रिस्पैक्ट लई खेडते हो, तुसी पंजाब नूं रीप्रजेंट कर रहे हो है ना, तो फिर तुहानू वो जान लाउणी पैणी है, वो मेहनत करनी पैणी है, फिर वो जिहड़ा लोकां दा प्यार है तुहाडे तों मेहनत करवाउंदा भी है। भाजी अगर बात करें इंडियन क्रिकेट टीम की, इंडियन क्रिकेट फॉलो करते ही होगी क्योंकि इतना क्रिकेट खेलते हो तो फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? मेरे काफ़ी ने, मेरे विराट कोहली है, सूर्य कुमार यादव है और मलिक इमरान मलिक आया बॉलर नवा वो बहुत वधिया है। अच्छा ऑल टाइम फेवरेट अगर एक की बात की जाए तो वो कौन है, पुराना हो नया हो कुछ भी चलेगा? मैनू सहवाग वधिया लगता है, वीरू पाजी की तो बात ही निराली थी, फर्स्ट बॉल फोर टेंशन नहीं लेता, बिल्कुल टेंशन नहीं, टेंशन फ्री होकर खेलता सी, इदां दा ही प्लेयर चाहिए। अच्छा और आज की टीम में अगर बात करें तो इस जमाने में कौन है फेवरेट प्लेयर, एक का अगर नाम लेना हो? विराट कोहली।
विराट कोहली। अच्छा, इंडिया ने 3 वर्ल्ड कप जीते, 1983 में जीता है, 1907 में, फिर 2011 में। इन तीनों में अगर मैं पूछूं कि कोई एक अगर फेवरेट चुनना हो जिससे रोंगटे खड़े हो गए, खड़े तो सब में ही वाला 2011 वाला T20 वही ODI लास्ट बॉल। अच्छा, ODI 2011 था, 2007 T20 था, लास्ट बॉल जोगिंदर शर्मा 6 छक्के मारे थे उन्होंने, यूवी पाजी ने और जोगिंदर शर्मा की बॉल थे। और एक बार ऐसा लगा कि मैच बा का वो कैच श्रीशांत ने जो पकड़ा था, क्यों मैच गया, श्रीशांत ने जाके बैक होते मैच फड़ा सी।